यानी क्या होता है, सही बात बोली, इम्यूनिटी यानी क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये तो हिंदी में पढ़ा अपन ने। देखो भाई क्या होता है, अपन जो है कहते हैं ना, आपने सुना होगा ये बात कि यार तेरा इम्यून सिस्टम तो यार वीक है यार, फालतू तेरे को है ना बीमारी हो जाती है। और है ना कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा यार तेरा इम्यून सिस्टम बहुत सही काम करता है यार, इसको तो यार कुछ भी खिला दो तो है ना सब पचा जाता है, इसका इम्यून सिस्टम वाकई बहुत तेज है भाई, है ना। तो ये आपने सुना होगा ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कि अंदर कोई अलग से सिस्टम है क्या, जैसे अलग से कोई लिवर है क्या, कोई ऑर्गन है क्या, जैसे लिवर एक ऑर्गन है, अंदर कोई ऑर्गन है क्या ऐसा, इम्यून इम्यून ऑर्गन है क्या कोई ऐसा, ठीक है, जैसे जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ऐसी कोई इम्यून नाम का ऑर्गन है क्या अंदर बॉडी के अंदर? नहीं है, ऐसा कोई इम्यून नाम का ऑर्गन नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो हमारे WBC है, जो हमारे छोटे छोटे सेल्स हैं, जैसे रेड ब्लड सेल होते हैं वैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो ही क्या करते हैं, इम्यूनिटी बनाकर कॉज करते हैं, क्या करते हैं, वो ही हमारी इम्यूनिटी कॉज करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो स्किन है ये भी हमें हमारे लिए इम्यूनिटी का काम कर रही है, पता है आपको कैसे? देखो ये हमारी स्किन है, हाँ सर ये स्किन है, तो ये इम्यूनिटी का काम कैसे कर रही है बेटा? अब आपके आसपास जो है बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, आपके हाथ में जो है, आप अपना हाथ भी होंगे ना, तो हजारों बैक्टीरिया आपके हाथ में अभी भी इस वक्त लगे हुए हैं, ठीक है। जाओ जल्दी से पहले जो है बांधने क्लास लेना, पहले हाथ धो करके आओ, है ना। तो बेटा हजारों बैक्टीरिया जो है आपके आपके हाथों में है, ठीक है, लेकिन वो अंदर घुस नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि आपकी स्किन है, स्किन जो है इम्यूनिटी का काम कर रही है, स्किन हमें बचा रही है उन बैक्टीरिया से, उन गंदे बैक्टीरिया से, अंदर नहीं घुसने दे रही। सर मान के चलो कट लग गया स्किन में, सर मान के चलो कट अगर लग गया स्किन में, तो क्या बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस सकता है? बिल्कुल घुस सकता है, बिल्कुल घुस सकता है। तो अभी हमारे दो जगह है जहां से जो है बैक्टीरिया वायरस घुस सकता है, ठीक है, अपन में जो जैसे नोज का एक छेद है, ठीक है, और कहां से छेद है, ये अपने मुंह का जो छेद है, कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं सर कुछ एक और छेद भी तो होता है, ठीक है, उसके उसके थ्रू भी घुस सकते हैं क्या? हाँ उसके थ्रू भी घुस सकते हैं, कहीं भी छेद होगा, कहीं भी पोर होगा स्किन के अंदर, ठीक है, तो वहां से जो है बैक्टीरिया घुस सकता है। समझ गए होगे कौन से छेद की बता रहा हूं मैं, सांस कहां से ले और समझ जाओ, ठीक है। तो वो भी जो है एक जो है पोर है, तो वहां से भी बैक्टीरिया जो है एंट्री ले सकता है, कहीं से भी, जहां पर भी स्किन में कट होगा, माउथ के थ्रू, नोज के थ्रू, यहाँ से बैक्टीरिया एंट्री ले सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फॉरेन सब्सटेंस जो होगा, बैक्टीरिया जो होगा वो एंट्री ले सकता है, ठीक है। तो इम्यूनिटी में ये सारी चीजें आती है, हमारी स्किन जो है इम्यूनिटी का काम कर रही है, हमारे पेट में HCL है, हमारे पेट में क्या है, HCL है, तो वो भी एक प्रकार की हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे सर? हमारे पेट में एसिड है, हाँ एसिड है, लेकिन आप जलते नहीं हो, ठीक है, लेकिन जो है आप जलते नहीं हो, तो सर ऐसा क्यों, हमारे पेट में एसिड है और हम जलते नहीं है, बैक्टीरिया जल जाता है? हाँ बैक्टीरिया जल जाता है ना, बैक्टीरिया जल जाता है, लेकिन आपका पेट नहीं जलता, क्यों? क्योंकि पेट के ऊपर एक कवरिंग डली हुई है, म्यूकस की कवरिंग लगी हुई है, ठीक है, ये पेट है आपका, और पेट के ऊपर जो है कवरिंग है एक तरीके से, ठीक है, वो एसिड जो है हमारे पेट की वॉल्स को नहीं खराब कर पा रहा, क्यों? क्योंकि ये देखो जैसे ये हमारा स्टमक है बेटा, ठीक है, ये स्टमक है और हमारे ये डला हुआ है बेटा एसिड, ये है एसिड डला हुआ है, ठीक है, समझना ये एसिड है बेटा, ठीक है, तो एसिड है, और यहां पर अगर अपन देखेंगे तो यहां पर है म्यूकस लाइनिंग, यहां पर क्या है बेटा, म्यूकस लाइनिंग है, कौन सी लाइनिंग है, म्यूकस की लाइनिंग है, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग है जो क्या कर रही है, एसिड को हमारे स्किन के कॉन्टेक्ट में, स्टमक की वॉल के कॉन्टेक्ट में, ये स्टमक की वॉल है, ठीक है, कहते हैं ना अगर तुझे इसके पास जाना है तो मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, सुना होगा तुमने फिल्मी डायलॉग, है ना, अगर तुझे जो है स्टमक की वॉल के पास जाना है, स्टमक की वॉल के पास जाना है, ठीक है, तो ये ऐसे, ये देखो ये जो म्यूकस वॉल है, म्यूकस लाइनिंग, सुनना ढंग से, ये जो म्यूकस लाइनिंग है, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे ही है, ये क्या करती है भाई, ये एसिड को अगर स्टमक की वॉल में जाना है तो उसकी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, कौन सी, म्यूकस लाइनिंग से गुजर के जाना पड़ेगा, म्यूकस लाइनिंग थिक होती है, ठीक है, उसकी वजह से हमारी स्टमक की वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई अगर मान लो बैक्टीरिया अंदर घुस गया बेटा, ये बैक्टीरिया है बेटा, ये जल जल करके राख हो जाएगा, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा बेटा, ये बैक्टीरिया जल करके राख हो जाएगा, क्लियर है ये बात।
होस्ट, ठीक है आई बात समझ में? तो भाई ओवरऑल एबिलिटी, एबिलिटी किसकी? होस्ट की, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ होस्ट, ठीक है, एबिलिटी किसकी? क्षमता किसकी? जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस घुस गया है, ठीक है, उसकी क्षमता, ठीक है, लड़ने की, वो लड़की लड़की के अंदर जो है क्षमता लड़ने की बैक्टीरिया से या वायरस की, ठीक है। और अब देखते हैं कौन जीतता है, उसके जो लड़की के WBC जीतते हैं, ठीक है, कि जो है जो लड़की के WBC जीतते हैं या वायरस जीतता है, ठीक है, तो वो जो है ये देखते हैं, फाइट करे, फाइट चलेगी बेटा, अंदर ही अंदर फाइट चलती है, ठीक है, और तुम्हारा युद्ध का वो बन जाता है, ठीक है, अंदर WBC की और वायरस की फाइट चलती है, क्या चलती है, फाइट चलती है, और तुम्हारी युद्ध भूमि है, क्या है ये, युद्ध भूमि है, तो बेटा तुम्हें बुखार आता है, और तुम्हें क्या आता है भाई, जो है सर दर्द होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पर कुछ लॉस होगा कि नहीं होगा, जैसे युद्ध भूमि है, ठीक है, जैसे युद्ध भूमि है, ठीक है, ये युद्ध भूमि में क्या होता है, यहाँ पर रहा ये वायरस या बैक्टीरिया, ठीक है, और ये रहे तुम्हारे WBC, ठीक है, ये तुम्हारे WBC है, तो इन दोनों में फाइट चलती है, ठीक है, और बेटा जब फाइट चलती है तुम्हें पता है बम डालेंगे और है ना बहुत सारी चीजें डालेंगे, लड़ाई चलेगी, तो भाई वहां पर जो है धरती में छेद नहीं हो जाते कि नहीं, जहां पर युद्ध होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी जो है बहुत सारे क्या होंगे, हमारी बॉडी में भी उसका असर होगा, अंदर अगर फाइट चल रही होगी तो हमारी बॉडी में भी असर होगा, जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारी बात समझ में? कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग मानते होंगे कि यार जो हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, जो है हमारा जो है टेम्परेचर जो बढ़ गया, फीवर हो गया है, तो यार इसको जल्दी, ये हम बीमार है, है ना, हम बीमार है, बेटा ये भी एक प्रकार की इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी का गर्म हो जाना, आपकी बॉडी का गर्म हो जाना, ये भी एक बॉडी की हथियार है, ये बॉडी का हथियार है, अपनी बॉडी को गर्म कर देना, कैसे बेटा, कोई मान लो बैक्टीरिया घुस गया, हाँ वही लड़की समझ गए ना, तो उस लड़की के अंदर जो है बैक्टीरिया घुस गया, है ना, वो बैक्टीरिया क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक है, हमारे जो है एसिड से लड़ेगा, एसिड जो है उससे लड़ेगा, जलवल जाएगा, लेकिन मान लो नहीं जला, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस गया, यहाँ घुस गया, पेट में गया ही नहीं, यहाँ घुस गया, तो हमारी बॉडी क्या होगी, गर्म हो जाएगी, है ना, हॉट हो जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बैक्टीरिया है वो अंदर जो बैक्टीरिया है वो गर्म होने की वजह से, ठीक है, वो मर जाएगा, वो बैक्टीरिया गर्म, अपनी बॉडी गर्म हो जाएगी ना, तो बैक्टीरिया अंदर का झेल नहीं पाएगा, ठीक है, और वो अंदर ही अंदर गर्माहट से मर जाएगा बेटा, ठीक है, आरी बात समझ में, ठीक है, आए गर्मी, ठीक है, तो ऐसे गर्मी करके वो मर जाएगा, ठीक है, अंदर ही अंदर, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग कितने वो पता है क्या करते हो, जैसे ही गर्म होगा हम तो जल्दी से दवाई ले लेंगे, है ना, हमें तो भैया हमें अच्छा नहीं, हमें गंदा लगता है, जब फीवर होता है ना तो हमें गंदा लगता है ना, गंदा लगता है, और तुम लोग क्या करते हो, सीधे तुमने ले ली दवाई, और जो है हमारे दवाई लेने के बाद जो है फीवर जो है कम हो जाता है, ठीक है, और जो है बल्कि आप अपना नुकसान कर रहे होते हो, पता है, तुमने दवाई ले ली हल्की हाल फीवर की, तुम्हारा फीवर तो कम हो गया, लेकिन बॉडी ने ना फीवर क्यों हुआ था बॉडी को, इसलिए हुआ था ताकि अंदर का बैक्टीरिया मर जाए, और तुमने क्या किया, दवाई तो ले ली, अपना फीवर तो कम कर दिया, लेकिन उस बैक्टीरिया को मारा ही नहीं, ठीक है, उस बैक्टीरिया को मारा ही नहीं, इसलिए दवाई के साथ साथ, ठीक है, बुखार की दवाई के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी लेना है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी देता है वो डॉक्टर, कि भैया बुखार तो ठीक हो जाए, बुखार भी कम हो जाए, साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी डाल दी, ठीक है, भैया बैक्टीरिया के खिलाफ भी लड़ने के लिए दवाइयां डाल दी, जो बैक्टीरिया के खिलाफ भी लड़ती रहेंगी, तो कभी भी डॉक्टर आपको एक दवाई नहीं देता होगा, दो चार दवाइयां देता होगा, एक को एक क्या करती है, बुखार को कम करती है, सर दर्द को कम करती है, और एक दवाई उस बैक्टीरिया से लड़ेगी, एक दवाई क्या करेगी, उस बैक्टीरिया से लड़ेगी, आ रही बात समझ में, तभी आपको दो चार दवाइयां देता है, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो सीधे इंजेक्शन भी ठोक देता है, आ रही बात समझ में, अब तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हें भी इंजेक्शन ठोकने हैं, ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं, द फॉरेन एजेंट, जरूरी नहीं है लड़की ने टिकिया खाई, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो है बैक्टीरिया घुसे, ठीक है, तो बैक्टीरिया भी घुस सकता है, बैक्टीरिया ये सब क्या कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं, पैथोजन यानी क्या होता है, ठीक है, सुनो जरा, देखो स्पेलिंग मैंने बताया था, पैथो यानी क्या होता है, कहीं भी वर्ड पैथो आए उसका मतलब होता है डिसीज, ठीक है, पैथो का मतलब क्या होता है, डिसीज, याद रखना, ठीक है, तुम लोग जानते हो पैथोलॉजी लैब में जाते हो ना, पैथोलॉजी लैब में जाते हो ना,
तो वो क्या होता है वहां पर पैथोलॉजी लैब में, क्या होता है डिसीज की स्टडी होती है तुम्हारे, कि भैया कौन सी डिसीज है तुम्हें, उसकी स्टडी होती है। ठीक है, लॉजी यानी स्टडी। ठीक है, लॉजी यानी बेटा क्या होगा, स्टडी होगा। ठीक है, तो पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, पैथोजन की स्टडी होती है। ठीक है, या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। ठीक है, कि भैया पैथो यानी डिसीज, लॉजी यानी स्टडी। तो तुम हम पैथोलॉजी लैब में जाते हो, वहां पर अपनी यूरिन लेकर के, ठीक है, अपना ब्लड लेकर के, ठीक है, जाते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, वहां पर अपना जो है यूरिन या ब्लड जो है दिखाते हो अपना सैंपल, तो उसमें जो है वो बताते हैं आपको कि टाइफॉइड का बैक्टीरिया घुसा हुआ अंदर, या जो है कौन सा बैक्टीरिया घुसा हुआ अंदर, वो आपको सारा का सारा बताते हैं। क्यों, कैसे बताते हैं, वो आपकी स्टडी करते हैं, ब्लड के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी में डिसीज की स्टडी करते हैं कि यार ये बैक्टीरिया फैला रहा है, कौन सा बैक्टीरिया है, ये क्या कर रहा है, वो सब वहां पर स्टडी करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो पैथोजन की स्टडी करते हैं कि ये पैथोजन कौन सा है। जन यानी समझना, पैथो यानी डिसीज, ठीक है, जन यानी मैंने बताया, तो मैं बताओ क्या होता है, जनरेटिंग। ठीक है, जन यानी जनरेटिंग, तो भाई डिसीज जनरेट करने वाला कौन होता है, डिसीज जनरेट, ठीक है, डिसीज को बनाने वाला, डिसीज को जनरेट करने वाला कौन होता है, बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस, तो भैया ये तो है ना अंदर घुस जाते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं बेटा, ये जो है इसके खिलाफ क्या करना पड़ता है, लड़ाई करता है, क्या होती है, लड़ाई करता है हमारा बॉडी। ठीक है, लेकिन समझना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया घुसे। आप मिट्टी में जो है बढ़िया, अब तो खुल रहे हैं सब, क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं बढ़िया, है ना, अरे जो है लॉकडाउन नहीं भी खुला था ना, तब भी लोग बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, मिट्टी में चल रही है बढ़िया, गांव में चले गए अपने और खूब क्रिकेट खेला, खूब इंजॉय किया। ठीक है, भाड़ में गई पढ़ाई, है ना, सबका पता है मुझे, है ना, तो सबने क्रिकेट खेला वहां पर, है ना। तो क्रिकेट खेलने के बाद देखो, क्रिकेट खेल रहे हो, धूल मिट्टी जाएगी, धूल में, धूल भी क्या है, फॉरेन सब्सटेंस है, हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी जो है धूल धूल बनी है क्या, नहीं। ठीक है, हमारी मिट्टी, हमारी जो बॉडी है धूल से बनी है क्या, नहीं। ठीक है बेटा, वो कहते हैं वो सिर्फ कहावत होती है कि धूल में, धूल से बने हैं या मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में एक दिन विलीन हो जाएंगे, वो सिर्फ कहने की बातें होती है, मिट्टी से नहीं बने अपन, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बड़े बूढ़े लोग जो है कहते हैं हम मिट्टी से बने हैं, इस मिट्टी में ही दब जाना है। ठीक है, क्या रखा है जिंदगी में, अरे तो भैया अभी तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ रखा है, बड़े बड़े डॉक्टर बनने वाले हो तुम, पैसा छापने वाले हो ऐसे। ठीक है, मेहनत करनी है बस, अभी मेहनत करने का टाइम है। ठीक है, दम से मेहनत करनी है अपन को। चलो सुनो, तो क्या होता है, क्या बताने चाह रहा था कि मिट्टी तुमने अंदर ले ली, तो मिट्टी भी बेटा एक फॉरेन सब्सटेंस है, मिट्टी भी क्या है, ठीक है, एक फॉरेन सब्सटेंस है बेटा। बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये तो पैथोजन हुआ, ये क्या कहलाएगा, डिसीज कॉजिंग पैथोजन, है ना, ये पैथोजन है। लेकिन क्या मिट्टी भी डिसीज कॉज कर सकती है क्या कोई, ठीक है, तो मिट्टी तो नहीं कर सकती, मिट्टी भी कर सकती, कैसे बताता हूँ, वो भी जो है डिसीज कॉज करती है, जैसे डर्ट, फॉरेन सब्सटेंस क्या हो गया, डर्ट डस्ट। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस क्या होगा, डर्ट डस्ट वगैरह। ठीक है, ये सारी सारी चीजों के ये भी अंदर घुस जाती है जब। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या कहती है, हमारी बॉडी का एक ही उसूल है, हमारी बॉडी का एक ही उसूल है, क्या उसूल है, उसूल ये है, कोई भी उसको डब्ल्यू, हमारी बॉडी है, हमारी WBC का एक ही उसूल है कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा चीज जाएगी जो बॉडी की नहीं है, बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज जाएगी जो बॉडी की नहीं है, उसके खिलाफ डिशुम डिशुम होगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं, अगर अगर जैसे बैक्टीरिया है, क्या वो बॉडी का पार्ट है क्या, नहीं है, तो वो जब अंदर जाएगा तो डिशुम डिशुम होगी, डिशुम डिशुम। वायरस जो होगा, वायरस जो है क्या ये बॉडी का पार्ट है, नहीं है, अंदर जाएगा तो इसके खिलाफ भी डिशुम डिशुम होगी। डर्ट या डस्ट, ये भी क्या जो है बॉडी का पार्ट है क्या, नहीं है, ये भी अंदर जाएगी तो इसके खिलाफ भी डिशुम डिशुम होगी। तो बेटा अब समझना बात, क्या बोल रहा हूं मैं, बैक्टीरिया या वायरस से लड़ रहे हो तो चलो ठीक है, बैक्टीरिया तो जीवित प्राणी है, ठीक है, उसके साथ तुम लड़ रहे हो तो चलो ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, डर्ट अंदर जा रही है, क्या कर रही है, WBC क्या कर रही है, WBC क्या कर रही है, हमारी डर्ट अंदर जा रही है, तो उससे भी लड़ाई करने लग रही है, अरे डर्ट से लड़ूंगी मैं, तो डर्ट से लड़ूंगी, ये हमारी बॉडी के पार्ट नहीं है, मैं डर्ट से लड़ूंगी, तो वो डर्ट से डस्ट से लड़ती है। ठीक है, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि मैं जो है दीवार से लड़ूं, दीवार में मुक्का मारूं दम से, है ना, तो क्या होता है, अपनी बॉडी खराब होती है। अब अंदर अगर डर्ट चली गई है और तुम उससे लड़ोगे,
ठीक है, मिट्टी घुस गई है अंदर तो उससे लड़ोगे तुम तो भाई उल्टा एलर्जी हो जाएगी। क्या हो जाती है वो? एलर्जी हो जाती है। वो डिसीज कौन सी होती है? एलर्जी हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाती है। एलर्जी में कुछ नहीं होता। एलर्जी यानी सीधी बात ये है, जब डर्ट या डस्ट घुस जाती है बॉडी के अंदर तो फिर हमारी जो है WBC मारती है उसको, डर्ट को और डस्ट को। लेकिन बेटा क्या डर्ट या डस्ट जो है अंदर घुस गई है, वो तो घुस गई, क्या उससे कुछ होगा, फर्क पड़ेगा? उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं जो है दीवार पे मारे जा रहा हूँ, दीवार पे मारे जा रहा हूँ, दीवार पे मारे जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो है उल्टा नुकसान मुझे हो रहा है, मेरी पूरी लाल लाल हो गई, हो जाती है, दीवार में मारा जाऊंगा तो लाल लाल हो जाऊंगा। ऐसे ही एलर्जी में होता है। एलर्जी में भी ऐसे ही होता है कि डर्ट में डस्ट में मारे जा रहा है वो, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, ठीक है, मारते जा रहा है वो, ठीक है, लेकिन हम उसकी बॉडी खराब हो रही है, उसकी बॉडी जो है उसकी बॉडी में नाक में जुकाम वगैरह हो जाएगी एलर्जी में। तुम पता है एलर्जी में क्या क्या होता है? बुखार उखार आ जाएगा, है ना, नाक वाक में वो हो जाएगी। इसलिए भाई डर्ट डस्ट में भी ज्यादा अपन को नहीं रहना है, ठीक है। आजकल के लोग जो है छुई मुई टाइप के हो चुके हैं, ठीक है, पहले जो विलेजेस के लोग हैं अभी भी जो है कितना भी क्रिकेट खेले उनमें दम है, ठीक है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, बच्चों को जो है ना क्या कर रखा है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो अच्छी अच्छी सिटीज के जो पेरेंट्स हैं, खास करके मुंबई, अभी ग्वालियर तो देसी है भाई अपना, ग्वालियर ज्यादा अपन नहीं हुए, ग्वालियर में, मुंबई मुंबई जैसे शहरों में क्या होता है कि बच्चे को बाहर ही नहीं निकलने देते, तू अंदर ही बैठ, बिल्कुल कोमल जैसे, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा नन्ना मुन्ना, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को जो घर में घुसी नहीं, मतलब अंदर जो है बाहर निकलने ही नहीं देते, ठीक है पेरेंट्स, ठीक है, मेरा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया मेरे बच्चे को डिसीज हो जाएगी, आ रही समय में? तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, तो जो मुंबई और जैसे जो बड़ी बड़ी सिटीज में है उनको बाहर ही नहीं निकलने देते, तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चों को डिसीज जल्दी लग रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आप बाहर जाओगे, ठीक है, आप बाहर जाओगे, ठीक है, और है ना आप बाहर घूमोगे, ठीक है, और डर्ट वर्ट भी आती है ना शरीर के अंदर, तो बेटा हमारी WBC जो है मारेंगी डर्ट को, एक बार मारेंगी, दो बार मारेंगी, है ना, एलर्जी आपको हो जाएगी, है ना, एक दो बार, लेकिन जब दोबारा आप खेलोगे, ठीक है, डर्ट के साथ खेलोगे तो हमारी बॉडी को एक बार समझ में आ जाएगा कि यार भैया ये तो कुछ ऐसा ही है, डर्ट से लड़ना यानी ऐसा ही है कि मारते जाना बस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारी बॉडी समझ जाएगी, तो तुम्हें फिर डिसीज दोबारा नहीं होगी, डर्ट वर्ट से एलर्जी दोबारा नहीं होगी, ठीक है, आ रही बात समझ में? ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जैसे और ऐसा भी है कि जैसे आप बाहर घूमोगे, ठीक है, आप जो है देसी लोग जो होते हैं कैसे भी खा लेते हैं, हाथ बिना धोए हुए खा लेते हैं, तो उनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह घुस जाता है ना, लेकिन वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं उस चीज की, उस चीज की क्या कर लेते हैं, इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं, विलेजेस लोग वाले, विलेजर्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, गंदे हाथों से खा लेते हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी तेज होती है भाई, है ना, क्योंकि वो मेहनत भी बहुत करते हैं, मेहनत ही बहुत करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर रही होती है, अच्छे से अच्छा भोजन खाते हैं, प्योर खाते हैं वो, है ना, प्योर चीज खाते हैं। यहाँ पर जो मुंबई मुंबई जैसे शहरों में क्या होती है, सब चीज नकली, सब चीज नकली और सस्ती, है ना, वो फ्रूट जूस, वो लड़के को क्या लगता है मैं फ्रूट जूस पी रहा हूँ मम्मी, ठीक है, मम्मी कहती है ले बेटा तू फ्रूट जूस पी ले, अरे भैया 3% उसमें फ्रूट है, बाकी सारा का सारा पानी पी रहा है वो, है ना, सब मिलावट है, कभी देखना फ्रूट जूस में भी सब लिखा रहता है, सब मिलावट ही पी रहा है वो, है ना, वो बढ़िया लग रहा है मम्मी मैं तो जूस पी रहा हूँ बढ़िया, तो तुम्हें लगता नहीं है 20 रुपए का इतना सस्ता रियल कैसे आ रहा है, ठीक है, जबकि तुम वही चीज 50 रुपए का गिलास पड़ेगा और 20 रुपए का तुम्हें बढ़िया रियल का इतना बड़ा मिल रहा है, तो भैया आधे से ज्यादा उसमें पानी है, तो इस बात को समझो पागल नहीं है कंपनियां, ठीक है, तो यहाँ पर सब मिलावटी है, ठीक है, ऑर्गेनिक चीजें सब मिलावटी सब्जियां, है ना, समझ रहे हो इस बात को? तो भाई ये बात ध्यान रखना है कि अपन को मतलब अपना ख्याल रखना जरूरी है, ऐसे भी नहीं रखना है कि है ना, पहले मैं सोच रहा था, पता है तो मैं बता रहा था, पहले मैं सोच रहा था आजकल वो चल रहे हैं एयर कंडीशनर, ऐसे चल रहे हैं कि एयर भी प्यूरिफाई हो रही है बिल्कुल, है ना, ऐसे आजकल घरों में लग रहे हैं, एयर एयर भी बढ़िया प्यूरिफाई हो जा रही है, सारे बैक्टीरिया वायरस जो है छट जा रहे हैं, बिल्कुल फिल्टर हो जाते हैं, बिल्कुल प्योर हवा, है ना, लेकिन ये मैं सोच रहा था लगवाने के अपने यहाँ पर, फिर मैंने ये सोचा कि यार अगर ये एयर भी प्योर हो गई समझ लो, तो भाई एक तरीके से हमें इम्यूनिटी नहीं, वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन है एक तरीके से, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस रहा है ना तो ये वैक्सीनेशन है थोड़ी बहुत, है ना, ऐसे नहीं कि अपन ने गंदी चीजें वैक्सीनेशन करने के चक्कर में हमने सड़ा हुआ खा लिया, वो नहीं है,
वैक्सीनेशन मतलब थोड़ा बहुत अगर ये अगर हो भी रहा है तो आपकी इम्यूनिटी उसके प्रति काम कर रही है, उसे एक्टिव रहने दो, काम करने दो, काम करने दो थोड़ा बहुत, ठीक है। जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती टिक्कियां खानी है, भैया मैं तो बैक्टीरिया खाऊंगा, मेरी वैक्सीनेशन हो रही है, ठीक है। ये वैक्सीनेशन जो चल रही है ना, ये भी क्या कर रहे हैं वैक्सीनेशन में, तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस जो है डाल रहे हैं, घुसेड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है? कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस को वीक किया, कोरोना वायरस को वीक कर दिया, खतरनाक है, तुमने डायरेक्ट कोरोना वायरस घुसेड़ दिया तो वो कोरोना डिसीज हो जाएगी, है ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस को उसको वीक कर दे रहे हैं, और वीक करके कोरोना वायरस को अंदर घुसेड़ दे रहे हैं, तो तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, उससे लड़ रही है, धड़ 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 लड़ रही है, ठीक है। अब वो तो वही है, बीमारी तो फैला नहीं पाएगा, लेकिन हाँ ये है कि जो वायरस है जो अंदर घुस गया है, जो वायरस है अंदर घुस गया है, जो मरा मरा डाला हुआ है, तो लेकिन वो पहचान जाएगी, दूसरी बार कोई जिंदा भी आ गया ना तो पहचान जाएगी कि यार ये तो वही है, मैंने इसको ऐसे ऐसे मारा था, ठीक है, ये तो वही है, मारो उसको पकड़ पकड़ के। तो ऐसे वर्क करती है हमारी बॉडी, ठीक है। अरिवा समय में तो ये हमारे वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में कुछ नहीं करते, जो कोरोना वायरस है उसको मार करके उसकी चटनी बना करके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर चटनी बना करके, और उसके बाद क्या करते हैं, चटनी बन गई उसके अंदर डाल दिया, और फिर हमारी बॉडी जो होती है, हमारी WBC आती है वहां पर और मारती है उसको, अलग 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 मारती है, ठीक है, मारती है, और जो है हमारी जो है फिर उनको पता चल जाता है, ठीक है, हमारी जो WBC है उनको मारती है दम 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 से, ठीक है, फिर उनको पता आदत लग जाती है। दूसरी बार मान लो नया आ गया कोई दूसरा, मतलब अच्छा कोरोना वायरस घुस भी गया है ना, और बिल्कुल जो है नया नवेला, बिल्कुल अभी बिल्कुल हिट एंड फिट कोरोना वायरस जब अंदर घुस जाएगा तो कहेगी बॉडी, पहले मैं तू मेरे को मिल चुका है, पहले तू मुझे मिल चुका है, भले ही तू मरा हुआ मिला है लेकिन मिल चुका है, तो मुझे पता है तुझे कैसे मारना है, तू ऐसे नहीं मारेगा, मेरे को तेरे लिए AK-47 निकालनी पड़ेगी। WBC कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, WBC कहता है मुझे पता है तुझे कैसे मारना है, तुझे चाकू से मार रही थी तो तू मर नहीं रहा था, मैंने खूब मारा था तुझे, अब मैं AK-47 जो है वो मैं उसी से ही मरेगा, तो वो WBC को पता पड़ जाता है कि AK-47 से मरेगा, दोबारा आया हुआ है आदमी, ठीक है, उसको मारो पकड़ के, तो AK-47 तैयार रखती है एकदम हमारी WBC, और फिर मार डालती है उसको, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई किसी को क्या बोल रहा हूं मैं? टॉपिक पर आते हैं, अब समझना, अपने टॉपिक पर आते हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। अब फॉरेन एजेंट जो होता है, फॉरेन कौन होगा, फॉरेनर कौन होते हैं, जो हमारे देश के नहीं होते, हमारा देश क्या है, ये हमारा देश है, कोई भी चीज जो बाहर से आएगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, फॉरेनर। बैक्टीरिया वायरस क्या है, मान ली फॉरेनर, फॉरेन एजेंट है हमारे लिए बैक्टीरिया वायरस, ठीक है। और कौन से फॉरेन सब्सटेंस है, डर्ट डस्ट वगैरह, ये भी क्या है, फॉरेनर है, ठीक है। तो ये जब ये आएंगे बॉडी में घुसेंगे तो ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, किसमें डिसीज कॉज करते हैं, होस्ट में। होस्ट मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, वो व्यक्ति, होस्ट वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस घुसते हैं, उसको कहते हैं होस्ट, ठीक है। वहां पर लिख मत आना होस्ट यानी अमिताभ बच्चन, है ना, ये नहीं लिखना, होस्ट वो होता है जिसके अंदर घुसते हैं, ठीक है, आर्यवास्तव में जिसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वायरस घुसेगा उसको कहते हैं होस्ट, ठीक है, आर्यवास्तव में जिसके होस्ट कौन होता है, जिसके अंदर ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस घुसता है, उसे कहते हैं होस्ट, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, समझना इस बात को, दो तरीके की होती है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है भाई, एक इननेट और एक एक्वायर्ड, ठीक है। अब समझना, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक एक्वायर्ड, इननेट मतलब क्या होता है, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। देखो इननेट और एक्वायर्ड में कभी भी याद रखना, इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, सुनना पहले बता रहा हूं, कि भाई जिस जो बर्थ से प्रेजेंट होती है, जैसे बर्थ से क्या प्रेजेंट है, स्किन, ठीक है, स्किन बर्थ से प्रेजेंट है कि नहीं, ये जो स्किन है इम्यूनिटी का काम कर रही है, हाँ सर, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ऑर्गन जो है बॉडी का वो लिवर नहीं है, किडनी नहीं है, स्किन है, सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन जो है स्किन है, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि भैया अगर तुमने स्किन जो है निकाल दी और उसको तोला तराजू में तो बेटा लगभग 7-7.5 किलो आएगा, जबकि लिवर और ये सब जो चीजें हैं 1-1.5 किलो आएगा, ठीक है। तो भाई सबसे वजनी चीज भी आपकी स्किन है, ठीक है, आ रही बात समय में, ठीक है, तो सबसे वजनी चीज भी आपकी स्किन है,
सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है बॉडी का वो अंदर नहीं है, किडनी नहीं है और कोई नहीं है, आपके बाहर ही है, ठीक है, आपके बाहर ही पड़ा हुआ सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, ठीक है। अब इस बात को समझना, तो भाई ये स्किन बचपन से प्रेजेंट है कि तुम्हारे जो है बाद में तुम्हारे लिए लगाई गई, चलो भैया इसको लगा देते हैं, स्किन बचपन से प्रेजेंट है ना, बचपन से ही इम्यूनिटी का काम कर रही है, चाहे बच्चा जब पैदा हुआ था तब स्किन लगा हुआ आया था या तुमने पहनाई उसको स्किन, भैया 200 रुपए की स्किन देना, ऐसा तो नहीं होता ना कहीं कि 200 रुपए की स्किन देना बच्चे को पहनानी है ना, नहीं होता ना, तो बचपन से ये लगी रहती है स्किन, ठीक है। तो ये होती है इननेट इम्यूनिटी, ये क्या होती है इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, बचपन से ही बर्थ के टाइम पर से ही जो इम्यूनिटी मिलती है वो इननेट इम्यूनिटी। बेटा HCL तुमने 1 किलो 1 लीटर खरीदा था क्या कहीं, ये 1 लीटर अगर HCL देना खरीदने जाते हो क्या, पेट में डालना है बच्चे के पेट में डालना है, ऐसा होता है क्या, नहीं, बचपन से ही एसिड जो है पेट में डाला हुआ है और बन भी रहा है, लगातार बनता भी जा रहा है, ठीक है, तो बचपन से ही डाला है, तो वो कहलाएगा इननेट इम्यूनिटी। आ रही बात समझ में, वो कहलाएगा इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो बचपन से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, और अब एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो बर्थ के टाइम पर नहीं होती, ठीक है, जो बर्थ के टाइम पर नहीं होती, ठीक है, वो जो है इम्यूनिटी जो है हमें मिलती है, वो इम्यूनिटी क्या करती है हमें एक्वायर करनी पड़ती है, मिलती है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, उसको वो कहते हैं कि यार बचपन से ही वो क्रिकेट थोड़ी बैट लेकर थोड़ी पैदा हुआ था कि चलो मम्मी आप जो है बैट करके खेल के आएंगे, है ना, बचपन से ही जो है, बचपन से ही इसके जो है सचिन तेंदुलकर को स्किन वगैरह सब मिली हुई है ना, तो वो तो इननेट इम्यूनिटी है, सब चीजें हैं, ठीक है, बचपन से ही वो जो सचिन तेंदुलकर है मान के चलना, क्या बचपन से ही क्या क्रिकेट लेकर ही पैदा हुआ था क्या, बैट और बॉल लेकर ही पैदा हुआ था क्या, नहीं, उसने एक्वायर किया सारी चीजें, बैट बॉल क्रिकेट कैसे क्रिकेट खेलते हैं, हार्ड वर्क उसके उसके हार्ड वर्क ने और ये सारी चीजें ने एक्वायर किया, ये उसने एक्वायर किया अपने जीवन काल में, कैसे क्रिकेट खेलते हैं, कैसे छक्का मारते हैं, कैसे चौका मारते हैं, कैसे अपर कट मारते हैं, ठीक है, ये सारी उसने चीजें सीखी, ठीक है, तो ये बात समझ में आया, तो ये सारी चीजें उसने सीखी है। ऐसी हमारी बॉडी जो है, ऐसी हमारी बॉडी की जो WBC है, जो हमारी WBC है वो है इननेट इम्यूनिटी। WBC क्या है, इननेट इम्यूनिटी, WBC आपके अंदर बचपन में डली हुई है, बचपन से ही आपके अंदर WBC है, ठीक है, वो इननेट इम्यूनिटी है। और WBC को सिखाना, अरे बेटा ये देख, WBC को सिखाना मारना कि भैया देख बेटा ये कोरोना का वायरस है ना, ये कोरोना का वायरस है, सिखाना है ना, ये जो सिखाना है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उसको बताना ये सारी चीजें सिखाना, ठीक है, ये सारी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। वैक्सीनेशन लेना ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये वैक्सीन लेने से क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है ना, आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, WBC अंदर के एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या किया, सिखाया है ना मैंने, ठीक है, तो ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या कहलाया जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाया जाएगा। क्लियर हुआ ये बात, अरे आ रहा है कोई समझ में, यस और नो सर? आ रहा, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट रहती है, जैसे स्किन वगैरह, ठीक है, वो होती है इननेट इम्यूनिटी, ठीक है, जो स्किन जो प्रेजेंट रहती है बर्थ के टाइम पर, और एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट नहीं होती, आपको जो है एक्वायर करनी पड़ती है, वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, बचपन से ही वैक्सीन लगी हुई नहीं आती, आपको लेना पड़ता है वैक्सीनेशन, तो आपको एक्वायर करनी पड़ रही है वो इम्यूनिटी। आई बात समझ में, तो इननेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल वगैरह क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी चैट पर बताते जाओ, स्किन HCL है ना, ये सारा क्या हो जाएगा इननेट इम्यूनिटी वगैरह, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या लिखोगे, जो हमें एक्वायर करनी पड़ती है, ठीक है, बाहर से वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, वो कहलाई जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब तुम बताए अपन वैक्सीनेशन लेते हैं तो क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं वैक्सीनेशन लेके, कोई बहुत बड़ा काम कर लिए क्या अपन ने, कुछ नहीं किया, पता है हमने बस जो है हमारी WBC जो है अंदर की, उनके अंदर जो है मेमोरी डेवलप कर दी है कि भैया देख सुन, हम गंदा बैक्टीरिया, हम जो है मरा मराया वायरस अंदर तेरे बॉडी के डाल रहे हैं, मरा मराया वायरस डाल रहे हैं
लेकिन तू इसके खिलाफ लड़, WBC कह रही है मैं इसके खिलाफ लड़ती हूँ, कोई भी चीज मरी मराई क्यों ना हो आएगी तो भाई उसके खिलाफ WBC क्या करेगी, मारेगी और तुम्हें बुखार उखार आएगा, अंदर लड़ाई चलेगी, अंदर मरे हुए वायरस की, कोरोना वायरस की, मरे हुए कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसकी, और जो तुम्हारी जो WBC है उसके अंदर उनकी क्या होगी, अंदर लड़ाई चलेगी। जब लड़ाई चलेगी तो लड़ाई के टाइम पर युद्ध भूमि भी खराब होती है, ऐसी तुम्हारी जो शरीर है उसमें भी फीवर वीवर आता है, आता है कि नहीं आता फीवर जब लड़ाई चलती है ना अंदर, तो बॉडी बेटा वहां का जब लड़ाई चलती है तो युद्ध भूमि कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है कि नहीं, ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना, हॉट हो जाते हैं लोग, कैसे हो जाते हैं, हॉट, है ना, तो वही समझना है बात को, ठीक है। तो जब है ना जब वैक्सीनेशन लेते हैं तो फीवर वीवर आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन क्या हो रहा है, हमारे WBC को हमने क्या डाल दिया, कुछ नहीं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डाल दी, हमने वैक्सीनेशन ले ली, यानी हमने अपने WBC को, हमने हमारे जो अंदर जो WBC है उनको हमने अंदर क्या डाल दिया, मेमोरी डाल दी बेटा, देख बेटा मैं गंदा वायरस डाल रहा हूँ, मरा मरा वायरस डाल रहा हूँ, अब इस वायरस को मरा हुआ तुझे नहीं समझना है, इसको तुझे जिंदा ही समझना है, ठीक है, और तू इसके खिलाफ मार, इसको मार, ठीक है, कैसे इसको पकड़ेगा, गिरफ्त में कैसे लेगा, इसके खिलाफ तू प्रैक्टिस कर, है ना, क्या खिलाफ कर, प्रैक्टिस कर, है ना, जैसे जैसे तुम रिंग में जाते हो, तुम्हें लड़ना होता है तो तुम पहले बॉक्सिंग बैग से प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, बॉक्सिंग बैग से, है ना, बॉक्सिंग बैग से प्रैक्टिस करते हो, इस तरीके से उसको मारते हो, है ना, बॉक्सिंग बैग से, फिर रियल आदमी आता है आपके सामने, फिर उसको मारते हो, सेम टू सेम वही प्रोसेस है वैक्सीनेशन, पहले आपके अंदर गंदा बैक्टीरिया डाला, आपके अंदर वायरस डाला गंदा, मरा मराया, फिर उसके खिलाफ क्या हो रहा है, उस वायरस के खिलाफ क्या कर रही है, WBC मार रही है, पहले वो चाकू से मार के देखती है कहीं मर रहा है क्या, चाकू से मारा, अरे नहीं मर रहा यार, फिर वो AK-47 निकालती है, मर रहा है क्या, हाँ फिर मर गया, तो उसको टाइम देते हैं आराम से 1-2 महीना की तू आराम से तू उसको देख कैसे मारना है, ठीक है, फिर हम दूसरी भी वैक्सीन लगाते हैं कि भैया तू एक और बार मेमोरी देख ले, एक बार और मेमोरी डेवलप कर ले कि तुझे अब तू जल्दी AK-47, जब ती दो बार वैक्सीन लग गई, दो बार वैक्सीन लग गई, दोनों बार जो है पहले उसने ट्राई किया बंदूक से मारने से, ठीक है, छोटी मोटी बंदूक से मारा, पेच उससे पेचकस से मार रही है WBC कि नाइफ से मार रही है WBC, लेकिन फिर उसने देखा नहीं मर रहा, इसने अपनी AK-47 निकाली, मार डाला, फिर दूसरी बार डालेंगे, दूसरी बार हमने वैक्सीन ले ली, तो वो कहती है अरे यार ये तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, तो यार थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, तुमने थोड़ा लेट लिया है ना वैक्सीन, मैं देखती हूँ जरा, कोशिश करती हूँ कि किससे मारा, चाकू से मारा पहले उस वायरस को, फिर किससे मारा, चाकू से मारा पहले, फिर उसके बाद बंदूक से मारा, फिर उसने यार याद आ गया मैंने इसको पहले AK-47 से मारा था, जल्दी से AK-47 निकालती हूँ, जल्दी से AK-47 निकाली और मार दिया। अब तीसरी बार नया वायरस आ गया, दो बार वैक्सीन ले ली ना तुमने, अब मेमोरी डेवलप हो गई, हमारे WBC मेमोरी वाले होते हैं, जैसे हम मेमोरी वाले होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे में मेमोरी होती है, नहीं सर हमारे में तो कोई मेमोरी नहीं है, मम्मी तो कहती गधा है, है ना, नहीं वो होती है, थोड़ी बहुत मेमोरी होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे ही WBC में मेमोरी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मारते हैं लगे 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 लगे, तीसरी बार जब वायरस आ जाएगा ना, तीसरी बार जब वायरस आ जाएगा सीधा AK-47 निकलेगी, पर चाकू से प्रैक्टिस नहीं होगी, सीधा AK-47 और मार करके धड़म से अलग, तो भाई सीधे क्या किया, मेमोरी डेवलप कराई हमने, किसमें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ये बात समझ में आ गई, हमने क्या किया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी डेवलप करा दी, क्या करा दी बेटा, मेमोरी डेवलप करा दी हमारे इम्यून सिस्टम को, अब इम्यून सिस्टम कुछ नहीं है, WBC ही मेनली क्या होती है, इम्यून सिस्टम होती है मेनली, और भी होती है चीजें लेकिन मेनली WBC होती है इम्यून सिस्टम में, ठीक है, मेनली क्या होती है, WBC होती है मेनली इम्यून सिस्टम में, और भी चीजें होती है, एक पूरा सिस्टम है, पूरा है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे पूरा एक इम्यून सिस्टम है, लेकिन उसमें मेनली WBC होती है और कुछ नहीं होता, वो क्या करती है हमारे पैथोजन से लड़ाई करती है, ठीक है, हमारे पैथोजन से क्या करती है, लड़ाई करती है। तो आपको ये दो बात समझ में आ गई, इननेट यानी क्या होता है, बर्थ से प्रेजेंट होना, और एक्वायर्ड यानी क्या होता है, बर्थ से प्रेजेंट ना होना, नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बल्कि ये जो है, ये जो अगर मैं बात करूँ, ये इसमें क्या होता है कि इसमें मेमोरी डेवलप कर दी जाती है, किसके खिलाफ, पैथोजन के खिलाफ, कि भैया ये जो पैथोजन है AK-47 से जो है निपटेगा, ठीक है, कुछ ऐसा भी होता है कि ये बेटा पैथोजन स्पेसिफिक होता है, एक्वायर्ड कैसी होती है, पैथोजन स्पेसिफिक, इसका मतलब सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है ये बताओ, ये तो बात समझ में आ रही है कि भैया नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये तो समझ में आ रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, भाई बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, हमें वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है बर्थ के बाद, ये बात तो समझ आएगी,
पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है बेटा? पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे ही कोई वायरस घुसा, कोरोना वायरस, तो उसके लिए AK-47 निकालना है, ये बात हो गई पैथोजन स्पेसिफिक। अगर कोई दूसरा वायरस घुसता है, कोरोना वायरस की जगह कोई दूसरा वायरस घुसता है, तो AK-47 नहीं घुस निकाली जाएगी डायरेक्ट, उसके लिए हो सकता है वो वायरस जो है चाकू से ही मर जाए, वो दूसरा वायरस जो था वो चाकू से ही मर जाए, तो उसके लिए थोड़ी AK-47 निकाली जाएगी। कोई बैक्टीरिया आया, वो सिंपल वाली गन से मर रहा है, ठीक है, पिचकारी वाली गन से मर रहा है वाला बैक्टीरिया, ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग है। कोई याला बैक्टीरिया एंटर करेगा तो पिचकारी वाली गन निकालनी है, मर जाएगा। याला बैक्टीरिया घुसेगा तो भैया इसको चाकू मारना पड़ेगा, याला अगर बैक्टीरिया घुसेगा तो इसको तो जो है कीले घुसेड़नी पड़ेगी, इसको तो मार मार के कीले मारनी पड़ेगी इसको, है ना। तो सबके लिए अलग अलग तरीके से व्यवहार होगा, ठीक है, सबका अलग अलग तरीके से व्यवहार होगा। जैसे ऐसा होता है ना, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है तो सबका अलग अलग तरीके से व्यवहार होता है। मामा आ गए तो मामा ये लीजिए पानी, ये लीजिए ठंडा सोडा, ये वो। तुम्हारा फ्रेंड आ गया, चल बे चल इधर बैठे जल्दी से, अपन काम करते हैं जरा, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, या क्रिकेट खेलते हैं, तुमने पबजी का कौन सा गेम खेला। तो सबका अलग अलग तरीके से व्यवहार होता है कि नहीं? तुम भी क्या हो, तुम भी जो है अलग अलग व्यवहार स्पेसिफिक हो, अलग 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 कैसे लोगों से व्यवहार करना है तुम अलग अलग स्पेसिफिक हो। ऐसे ही हमारा WBC भी स्पेसिफिक है, किसको कैसे मारना है वो ये बात जानता है। पैथोजन स्पेसिफिक समझ में आ गया ये बात? देखो बढ़ रहे इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है सर, इसका मतलब मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि एक्वायर्ड होती है स्पेसिफिक। क्या बोलोगे? एक्वायर्ड होती है स्पेसिफिक, जबकि इननेट कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक। इसका मतलब सर इननेट कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक मतलब बेटा आपकी स्किन जो होती है क्या वो स्पेसिफिक है? क्या वो स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ लड़ती है क्या? कि भैया बैक्टीरिया है तू तो तू जो है अंदर घुसने नहीं दूंगी, ठीक है, वायरस है तू तो तुझे है ना अंदर घुसने दे दूंगी, चल तू वाला तू मुझे तुझसे प्यार है बैक्टीरिया, तू अच्छा बैक्टीरिया जा अंदर घुस जा, ऐसा कभी कहती है क्या स्किन? नहीं कहती, वो नॉन स्पेसिफिक है। वो नॉन स्पेसिफिक है ना मतलब जो जैसा है सबके खिलाफ एक जैसा व्यवहार करेगी, सबको मारेगी, सबको अंदर घुसने नहीं देगी, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो कोई भी हो उसके अंदर नहीं घुसने देगी, तो नॉन स्पेसिफिक है वो, ठीक है, सबके सबको सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ठीक है। एक्वायर्ड में क्या हो रहा था? सबके साथ नॉन स्पेसिफिक मतलब सबके जैसा एक जैसा व्यवहार, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, एक जैसा व्यवहार, ठीक है, सबके साथ क्या होगा? एक जैसा व्यवहार होगा, ठीक है, आरिवासा में सबके जैसा एक जैसा व्यवहार होगा, ठीक है। और एक्वायर्ड में क्या होता है? सबके साथ अलग अलग व्यवहार, सबके साथ अलग अलग व्यवहार, ठीक है। इननेट क्या? सबके साथ अलग अलग व्यवहार, व्यवहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिहेवियर। सबके साथ अलग अलग बिहेवियर कर लिख लो तुम, ठीक है, अंग्रेजी लोग हैं अपन, अंग्रेजी बच्चे हैं तो अंग्रेजी में लिखेंगे, सबके साथ अलग अलग बिहेवियर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तुम नहीं समझ पाओगे ये हिंदी के शब्द है, ठीक है, बिहेवियर। सबके साथ नॉन स्पेसिफिक इननेट क्या करता है? एसिड जो होगा, एसिड भी हमारे वो भी इननेट इम्यूनिटी में आता है, एसिड हुआ, ठीक है, स्किन हुआ, ठीक है, ये दो है, ये भैया सबके साथ एक जैसे व्यवहार करते हैं। बैक्टीरिया होगा तो एसिड क्या करेगा? जला देगा, ठीक है, वायरस होगा तो भी जला देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा भाई, वो होता है इननेट इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? एक जैसा व्यवहार नहीं होता, ठीक है। आर्यवासा में इसमें इननेट में क्या होगा? एक जैसा, मामा आए तो भी मामा के साथ और यार कैसा है पहले गालियां पड़ेगी, है ना, लेकिन इननेट इम्यूनिटी ऐसी होती है सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, ठीक है, कोई भी आए। लेकिन एक्वायर्ड में क्या होता है? सबको अलग अलग, मामा है तो मामा के लिए अलग व्यवहार, दोस्त है दोस्त के लिए अलग व्यवहार, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, एक्वायर्ड वाला स्पेसिफिक होता है भाई, ये बात ध्यान में रखना, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई सुनो, इननेट इम्यूनिटी के जो है टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं याद रखना, मैथ्स का फॉर्मूला P²C²। मैथ्स का फॉर्मूला क्या है?
है। इसका इनेट इम्यूनिटी के चार पॉइंट होते हैं, चार टाइप्स की होती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी कितने टाइप की, इम्यूनिटी कितने टाइप की सर, दो टाइप की। आपने बताया इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक इनेट, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड। ये आपने बताया दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। फिर आपने ये बताया कि सर इनेट भी जो है चार टाइप की होती है, ये आपने बता दिया। इनेट जो होती है कितने टाइप की होती है, फिर से ये चार टाइप की होती है। ठीक है, तो पीपी सीसी, ठीक है, पीपी सीसी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये याद रखना, कैसे याद रखोगे पीपी सीसी मतलब, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, पीपी सीसी, ठीक है, ये हो गया आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर भाई। ठीक है, पीसी नाम सुना, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, तो दोनों का स्क्वायर कर देना, दो दो जब आ जाए तुम्हारे पास तो दो दो का स्क्वायर स्क्वायर कर देना, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो हो जाएगी इननेट इम्यूनिटी, वो उसको इननेट इम्यूनिटी की ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, पी फॉर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, ठीक है, चार तरीके के ये बैरियर होते हैं। क्लियर हुआ ये, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन, ये चार तरीके के बैरियर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, इननेट इम्यूनिटी जो होती है बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट रहती है। बर्थ के टाइम पर क्या प्रेजेंट रहती है, इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, हमारी स्किन बर्थ से प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे अंदर पेट के अंदर एससीएल बर्थ से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, बर्थ से प्रेजेंट होती है। चाहे पेट में एसिड हो चाहे स्किन हो, दोनों ही प्रोटेक्ट करती है अपन को डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, सॉरी, दोनों ही प्रोटेक्ट करती है हमें बैक्टीरिया से या वायरस से। ठीक है, अब इम्यूनिटी जो होती है, ये जो इननेट इम्यूनिटी है क्या करती है, रोकती है भाई, बैरियर है एक तरीके से, जैसे लगा होता है ना बैरियर, पुलिस क्या लगा देती है, बैरियर लगा देती है, नहीं जाओगे यहाँ से। कोरोना वायरस जब था, कोरोना बहुत जब बहुत ज्यादा फैला था, तब बैरियर लग गए थे भैया, यहाँ से सब बंद है रास्ते वास्ते, कोई बस वस नहीं जाएगी, है ना। तो ये क्या बैरियर की तरह है, ये स्किन हमारी बैरियर की तरह है, रोक देती है, बाहर कोई बैक्टीरिया है वायरस है अंदर नहीं घुसने दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, मेरी जो है इस लाश से गुजर के जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, अंदर जाना है तो। ठीक है, तो जो है ऐसा ही कुछ जो है, ये बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, घुसने नहीं देती किसको, कोई भी फॉरेन एजेंट को, कोई भी फॉरेन एजेंट, चाहे वो डर्ट हो डस्ट हो, क्या इसके अंदर से डर्ट डस्ट घुस जाएगी के अंदर, यहाँ से नहीं घुस पाएगी अंदर। ठीक है, आर्य समय में डर्ट डस्ट वगैरह नहीं घुस पाएगी स्किन के अंदर। ठीक है, तो स्किन से जो है ये डर्ट से डस्ट से पैथोजन से सबसे ही क्या करती है, ये जो है बचाती है हमें इननेट इम्यूनिटी, बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, फॉरेन एक्ट कौन कौन से होंगे, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, और कौन सा होगा, डर्ट डस्ट वगैरह, उससे बचाएंगे। चलो फिजिकल यानी जो एक बैरियर की तरह है, ठीक है, जो क्या नहीं घुसने देती माइक्रोब्स को, घुसने नहीं देती बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके अंदर आती है स्किन और म्यूकस। बेटा फिजिकल के अंदर एसिड नहीं आता, एसिड आता है फिजियोलॉजिकल के अंदर, फिजियोलॉजी के अंदर आता है एसिड, पढ़ेंगे अपन अभी। ठीक है, वो अंदर अंदर की बात है, ये अंदर का मामला है, फिजियोलॉजिकल क्या होता है, अंदर का मामला होता है बेटा। ठीक है, और फिजिकल क्या होता है, ये बाहर का मामला होता है, इसके अंदर आती है आपकी स्किन। ठीक है, स्किन जो होती है वो घुसने नहीं देती बैक्टीरिया वायरस को, आ रही बात समझ में, वो ये स्किन क्या करती है, घुसने नहीं देती, ये बात ध्यान रखना। तो इसके लिए ट्रिक है दूसरी बेटा, म्यूकस कोटिंग, दूसरी क्या है बेटा, म्यूकस कोटिंग। ठीक है, म्यूकस कोटिंग किसकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की, ये तुम्हें अब थोड़ा समझना है इस बात को। ठीक है बेटा, क्या होता है, हमारे हमारे जो है ये हमारा गला है मान के चलो, या कुछ भी है, ये गला है हमारा, यहाँ पर होती है गले में, ट्रेकिया में। ठीक है, ये ट्रेकिया है, या सुना होगा आपने ट्रेकिया, है ना, तो ये ट्रेकिया है मान के चलो। ठीक है, ये तुमने विंड पाइप सुना है नाम, अरे देसी लोगो तुम लोग, मुझे पता है, अरे विंड पाइप नाम सुना है तुमने, विंड पाइप तो बेटा ये विंड पाइप है, ट्रेकिया क्या है, ये ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप है। अब विंड पाइप में ऐसा क्या होता है बेटा, इस तरीके से म्यूकस की लेयर होती है, क्या होती है, इस तरीके से म्यूकस की कोटिंग होती है, इस तरीके से म्यूकस की कोटिंग होती है,
ये ऐसे 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 ये म्यूकस की कोटिंग है, ठीक है, म्यूकस की कोटिंग है। तो म्यूकस की कोटिंग में क्या होगा बेटा, इस म्यूकस की कोटिंग में क्या होगा, इस म्यूकस की कोटिंग में क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है ये आ जाएगा आपका, बैक्टीरिया जो होंगे ना वो फंस जाएंगे यहां पर। म्यूकस की कोटिंग चिपचिपी होती है, ऐसा तुमने देखा है कि चिपचिपी चीज से चिपक जाता है कोई, है ना, तो वैसा ही होगा बेटा। हमारे जो विंड पाइप है वो तुम हवा लोगे, सांस ले रहे हो, है ना, तुम्हारी एयर में क्या है, एयर में बैक्टीरिया है, वायरस है, सारे काम घुस रहे हैं, तुम्हारे विंड पाइप में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, सारे के सारे गंदे बैक्टीरिया विंड पाइप में जाएंगे। हवा तो चली गई लेकिन गंदे गंदे हवा में बैक्टीरिया भी तो चले गए, लेकिन हवा के बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, चिपक जाते हैं यहाँ पर। ये जैसे तुम्हारी नाक है, नाक में चुपचुपी चीज होती है कि नहीं, नाक में म्यूकस होता है कि नहीं, नाक जो है तुम्हारी, ये नहीं नाक तुम्हारी, नाक बनाता हूँ देखो, तुम भी क्या याद रखोगे, ये नाक है तुम्हारी, है ना, तो नाकस नाक में भी बेटा इस तरीके से जो है चुपचुपी जो है म्यूकस की कवरिंग होती है, इस तरीके से ऐसे म्यूकस की कवरिंग होती है ऐसे, है ना, और जो है उस म्यूकस की कवरिंग में कौन फंस जाता है, हमारा बेचारा बैक्टीरिया फंस जाता है। देखो बेटा बैक्टीरिया फंस गया, हवा तो अंदर चली जाती है बेटा, ये रही हवा, बहती हवा सा था वो, है ना, हवा को कौन रोक सकता है बेटा, हवा तो चली गई, है ना, लेकिन बेटा ये बैक्टीरिया फंस गए, चुप चुपा पदार्थ में चिपक जाते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर तुम क्या क्या करते हो, कहना नहीं चाहिए, फिर तुम क्या करते हो, ऐसे ऐसे करके जो है वेस्ट मटेरियल निकालते हो अपने नोज में से, नोज में से ऐसे ऐसे करके, कुछ लोग कहते हैं नौजी वगैरह ऐसे कुछ भी कहते हैं, मतलब जो भी, तो वेस्ट मटेरियल निकालते हो, वो क्या होता है, वो डर्ट फंस जाती है, बैक्टीरिया फंस जाता है ना, तो वो तुम क्या कर लेते हो, ऐसे फेंक देते हो, है ना, छी 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 कर रही है कुछ लड़कियां, मुझे पता है, लेकिन वो ये ऐसे करती रहती है, ठीक है, आई बात समय में, तो समझना इस बात को, ठीक है। तो वो जो है वायरस या बैक्टीरिया, ये जो जो ये वेस्ट मटेरियल फंस जाता है नाक में, और फिर अपन उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं, प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं, समझना इस बात को, फिर क्या हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं वो, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये ऐसा ही बेटा, ये क्या म्यूकस लेयर होती है, ये क्या होती है, वाली कौन सी लेयर होती है, म्यूकस लेयर, समझ में आई बात, वाली कौन सी लेयर होती है, म्यूकस लेयर होती है, वो म्यूकस कोटिंग होती है जिसमें क्या बैक्टीरिया फंस जाता है बेटा, ठीक है। अब कहीं पर भी फंस सकता है, एक तो देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंस सकता है, विंड पाइप वगैरह, ये कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है, सांस में तेरे सांस मिली तो मुझे सांस आई, वही वाला, समझ गए ना, तो सांस वाले सिस्टम में फंस सकती है। पेट में भी म्यूकस होता है, मैंने बताया था, गैस्ट्रो यानी स्टमक, ठीक है, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी में लिख देता हूं बेटा, रेस्पिरेटरी में क्या लिखूंगा, रेस्पिरेटरी में लिख देता हूं मैं, देखो क्या बताया बेटा मैंने, कि अपन एक रेस्पिरेटरी यानी विंड पाइप, क्या बेटा, रेस्पिरेटरी यानी विंड पाइप, ठीक है, तो ये बेटा विंड पाइप है, ठीक है, ये विंड पाइप है, और विंड पाइप जो है, या लंग्स हुआ, विंड पाइप हुआ, तो उसमें भी म्यूकस की कोटिंग रहती है, लंग्स में, विंड पाइप में, ऐसे स्टमक में, मैंने आपको बताया था म्यूकस की कोटिंग रहती है, किसी को याद आ रही है चैट पर बताओ कि भैया स्टमक में भी म्यूकस की कोटिंग रहती है जो एसिड से बचाती, याद आ रहा है कुछ, ये स्टमक है और ये इसकी म्यूकस की कोटिंग है, बताया था कुछ, याद आ रहा है, दिमाग पर जोर डाल करके सोचो, ये म्यूकस की कोटिंग है स्टमक के अंदर, ऐसे ही हर जगह रहती है बेटा म्यूकस की कोटिंग, हर जगह ये चुपचुपी होती है बेटा, म्यूकस कैसी होती है, चुपचुपी, है ना, जैसे समझ रहे इस बात को, ठीक है, कभी जानना हो कैसी चुपचुपी होती है तो नाक के अंदर हाथ डाल देना, समझ में आएगा कि ऐसी चुपचुपी होती है, ठीक है, गंदी बात बेटा, गंदी बात है ना, बैड मैनर्स है ना, लेकिन बेटा वो होती है ऐसी ही है चुपचुपी, समझ में आ गया होगा तुम्हें, मेन तो बात समझना है, ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या बेटा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्या बेटा, यूरोजेनाइटल, यूरो यानी यूरिन, ठीक है, यूरिन और तुम्हारा जो जेनाइटल मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, तो इनमें इनमें भी क्या होता है, इनमें भी जो है बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिया जाता है, समझ रहे हो, नहीं तो इनमें भी बैक्टीरिया में भी ये घुस जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, आ रही बात समझ में, फिर डिसीज कॉज करेगा, होती है ना बहुत सारी डिसीज होती है रिप्रोडक्टिव डिसीजेस, है ना, तो भाई ये म्यूकस उनको बचाता है, ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को, ट्रैप कर लेना नहीं, पकड़ लेता है माइक्रोब्स को, ठीक है, पकड़ लेता है बेटा, ये क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, फंस जाता है इसमें, ठीक है,
इनमें चुपचुपा होता है, फंस जाता है एकदम से, पकड़ लेता है ये। आजकल तुमने देखा नहीं है चूहो चूहे जो होते हैं ऐसे स्टिकी पैड्स होते हैं चूहे के, है ना। चूहा क्या होता है, चूहा जब जाता है ना उस पे, ऐसे जा रहा होता है ऐसे लगा के छोड़ देते हैं, स्टिकी पैड्स होते हैं चूहे को पकड़ने के लिए। तो चूहा जा रहा होता है, चूहा चिपक जाता है ना, चूहा जो हो रहा है वो जा रहा होता है एकदम चिपक जाता है, फंस जाता है, वो फिर निकल ही नहीं पाता, तो फिर उसको जो है फिर उसको फेंक देते हैं अपन, है ना। सेम टू सेम वैसा ही होता है, ये जो हमारे म्यूकस कोटिंग रहती है, म्यूकस की कवरिंग होती है, कि भाई जो जो ऐसे ही बैक्टीरिया वगैरह जो जो है एयर जाती है, एयर तो अंदर जा सकती है लेकिन बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं चुप चुपे म्यूकस की लाइनिंग में फंस जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये कहाँ कहाँ फंसते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एक जो है विंड पाइप में, लंग्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, यूरिन वगैरह जो है, किडनी वगैरह, है ना, यूरो यानी किडनी वाला सिस्टम आ गया, ठीक है, किडनी वाले सिस्टम में, ठीक है। आरी बात समझ में? किडनी वाले सिस्टम में, ठीक है, ये तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हर जगह कहाँ, ये हर जगह लेयर प्रेजेंट होती है यानी बताए ना, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? आई बात समझ में कुछ? कर रहा हूं देखो, यानी बाहर से जैसे स्किन, स्किन क्या है, एक प्रकार से बैरियर प्रोवाइड करती है, अंदर घुसने नहीं देती, एंट्री नहीं लेने देती, चलो भगो यहाँ से निकलो, चलो बैक्टीरिया आता है अंदर घुसने की कोशिश करता है, स्किन कहती है चलो निकलो यहाँ से, चलो तुम जैसे बहुत आते हैं चलो निकलो, तो स्किन ऐसा ही कुछ करती है। म्यूकस क्या कहती है, आओ बेटा तुम हमारे जाल में फंसो बेटा, आओ बेटा। आरी बात समय? म्यूकस क्या कहती है, आओ बेटा जाल में फंसो बेटा, फंसो बेटा। आरी बात समय? ये करती है म्यूकस, म्यूकस की कोटिंग, ठीक है, आ जाओ और फंस जाओ, आ जाओ और फंस जाओ, ये कहती है म्यूकस कोटिंग, ठीक है। म्यूकस कोटिंग कहाँ कहाँ रहती है, तुम्हारे विंड पाइप में, लंग्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, तुम्हारी किडनी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पर क्या रहती है, यहाँ पर रहती है तुम्हारी म्यूकस की कोटिंग। क्लियर हुआ गया? अब ट्रिक सुन लो, कर रहा हूं, ट्रिक क्या रहेगी, गुरुजी मेल्स एसमाइट, ठीक है भाई साहब, बड़े बड़े गुरुजी होते हैं, है ना, और जो एक गुरुजी होते हैं ना, ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह नहीं चलाते, ठीक है, वो क्या करते हैं, बड़ा सिस्टम जो तुम देखोगे, जो पब्लिक वाली जैसे जो बड़ी बड़ी जो संस्थान होती है वो मेल ही करती है, भाई मेल किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो है थोड़ा, चाहे बड़े बड़े जो एमबीए वगैरह जो होते हैं उनमें मेल ही चलता है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ज्यादा वो यूज नहीं करते, ज्यादातर उनमें मेल ही चलता है, ठीक है, कभी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो मेल ही चलता है ना। तो ऐसे ही गुरुजी भी क्या करते हैं भैया, मेल करते हैं, ठीक है, मेल करते हैं किसको, उनकी एक जो है आश्रम होता है आसाम में, है ना, आश्रम होता है आसाम में, तो वो मेल करते हैं आसामाइट को, ठीक है, एसामाइट यानी समझ गए, ग्वालियर वाले ग्वालियराइट, है ना, ग्वालियराइट, ठीक है, आसाम वाले आसामाइट, ठीक है, आसाम में जो है लोग रह रहे थे, आसाम में उनका एक वो था, शाला थी उनकी, तो भाई गुरुजी मेल करते हैं आसामाइट्स को कि भैया मैं आ रहा हूँ, ठीक है, डटे रहना, कोरोना वायरस चल रहा है बहुत, ठीक है, अब सब कोरोना खुल गया है, अब मैं आ रहा हूँ, तो गुरुजी का मेल है ये, ठीक है। तो देखो सुनो, जी फॉर मैंने आपको बताया भैया, गुरुजी और मेल, ठीक है, ये पूरा का पूरा फिजिकल बैरियर है, उसमें फिजिकल बैरियर में अपन ने क्या पढ़ा, एक तो स्किन पढ़ा तुम्हें याद होगा, दूसरा अपन ने म्यूकस कवरिंग पढ़ी, क्या पढ़ी, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, म्यूकस कवरिंग पढ़ी, है ना, तो म्यूकस कवरिंग कहाँ कहाँ की, ये भी तो याद होना चाहिए, वहां पर पेपर में इंपॉर्टेंट ये चीज है, कहाँ कहाँ की भैया, एक तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो यानी स्टमक, इंटेस्टाइन यानी इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो यानी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होगी, एक तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होगी, मैंने आपको बताया था, फिर हमारे कहाँ प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, मैंने आपको बताया था, फिर कहाँ प्रेजेंट होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होगी और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होगी, जेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम्हें सब पता है क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है जहां से लंग्स वगैरह, जेनिटल वाला देख लो, और एक बार देख लेना, दूसरी बार तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है वहां भूलता तो आदमी है ही नहीं है, तो तुम्हें याद अपने आप हो गया होगा, जरूरत नहीं है, रिप्रोडक्टिव यानी जेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी यानी क्या होता है, लंग्स वगैरह, है ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये अपना जो है, ये अपना क्या हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। अब बात आती है फिजियोलॉजिकल बैरियर की, तो वो एसामाइट क्या होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, जैसे ए एस यानी एसिड इन स्टमक, ठीक है, ए एस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है एसिड इन स्टमक, ठीक है, ए एस, एस एम यानी सलाइवा इन माउथ, ठीक है, और जो है टी यानी टीयर्स इन आईज, ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे
पेट में एसिड, मुंह में सलाइवा और जो है आंखों में आंसू, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं। ये अपन जो है इसको अपन कल देखेंगे, ठीक है, डिटेल में कल इनको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन सा नहीं आता, यानी अपन चल मान के चल रहे फिजिकल बैरियर में कोई आता होगा ऐसा, है ना, फिजियोलॉजिकल में नहीं है तो फिजिकल में कोई होगा, ठीक है, या साइटोकाइन में होगा। अभी फिजियोलॉजिकल फिजिकल में देखते हैं भैया, एससीएल फिजिकल फिजियोलॉजिकल के अंदर आता होगा, लाइसोजाइम आता होगा, सलाइवा हो सकता है आता हो, अपन ने अभी ट्रिक पढ़ी ना सलाइवा, है ना, सलाइवा उसमें था, ठीक है, एससीएल उसमें था, ठीक है, टीयर्स वगैरह थे, ठीक है, म्यूकस कोटिंग, तो यार तुम्हें याद होगा स्किन और म्यूकस कोटिंग किसकी रहती है, स्किन की रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो है म्यूकस कोटिंग रहेगा, क्योंकि ये म्यूकस कोटिंग जो है फिजियोलॉजिकल के अंदर नहीं आती, म्यूकस कोटिंग जो है फिजिकल के अंदर आती है, ये बात ध्यान में रखना, म्यूकस कोटिंग फिजियोलॉजिकल के अंदर नहीं आती, फिजिकल के अंदर आती है म्यूकस कोटिंग और स्किन। पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक होती है, मैंने बताया था मामा आएंगे तो भाई तुम जो है उनके लिए अलग व्यवहार करोगे, है ना, कोई भाई आएगा तो जो है उसके लिए अलग व्यवहार करोगे, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक व्यवहार होगा, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक बिहेवियर होगा, ठीक है, अलग अलग स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है, तुम लोगों का, ठीक है। तो भाई पहली बात तो स्पेसिफिक होगा, तो भाई सबसे पहले स्पेसिफिक स्पेसिफिक वाले देख लिए, बाकी नॉन स्पेसिफिक वाले काट दिए, तो ए और डी क्या हो गया, कट हो गया, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक है। फिर अपन ने स्पेसिफिक देखे कौन कौन है, बी और सी क्या है, स्पेसिफिक है। अब स्पेसिफिक में भी मेमोरी इन्वॉल्व होती है, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, वैक्सीनेशन याद करो, वैक्सीनेशन में क्या होती है, मेमोरी इन्वॉल्व होती है, है ना, और जो है वैक्सीनेशन में पता पड़ता है अपन को सबके लिए अलग अलग वैक्सीन होती है ना, सबके लिए क्या होता है, अलग अलग वैक्सीन होती है, सबके लिए अलग अलग व्यवहार होता है, एक बैक्टीरिया के लिए अलग व्यवहार, दूसरे बैक्टीरिया के लिए अलग व्यवहार, अलग अलग तरीके से मारा जाता है ना, तो ये क्या होती है, इसके लिए मेमोरी भी डेवलप होती है और स्पेसिफिक भी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स होती है क्या, नहीं, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है क्या, नहीं, ठीक है, क्या होती है भाई, मैंने तुम बताया था मरे मराए वायरस या किल्ड बैक्टीरिया वायरस को ही क्या बन जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वैक्सीनेशन वैक्सीन कहलाते हैं, मरे हुए बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, यानी सर हम वैक्सीनेशन लेने जाते हैं कोरोना वायरस की, तो सर मरा हुआ कोरोना वायरस डाल देते हैं क्या उसमें, हाँ बिल्कुल सही, मरा हुआ कोरोना वायरस तुम्हारे अंदर डाल दिया जाता है, कोरोना वो ही है कोरोना की वैक्सीन, ठीक है, चलो